जी मैम, आपने मुझे अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि अभी माजी की बात है, और वैसे भी जो बायोडेटा मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करते हुए सबमिट किया था उसमें मेरी फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिसके बहुत ही रिलायबल डॉक्टर्स की हैं। मगर आपको पता है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको फिट्स पड़ते हैं जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। ये मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 5 साल पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है मेरी। अगर मैं आज भी इस फीलिंग से गुजर रहा होता तो इंटरव्यू के दौरान आपको जरूर बताता। हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो ही ठीक हो, मगर मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग है और मैं अपनी कंपनी के मैटर्स में बहुत सेंसिटिव हूँ, किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकती। तो ये फैसला आप ही कर लीजिए क्योंकि इख्तियार आपके पास है। वैसे भी इस मेंटल प्रेशर के साथ मैं अपना 100% नहीं दे सकूंगा और इस तरह आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आजम साहब को अपनी रेजिग्नेशन लिख कर दे देता हूँ। ये 3 हफ्ते मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे गुजरे हैं और इसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। आजम साहब को मेरे पास भेजा। देखो खदीजा, यू हैव टू रीड दिस बुक। ये मैं देखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ओके? ये लीजिए और यू कैन शेयर द नोट्स विद हर परसों। आई विल टॉक अबाउट इट। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने पहली दफा जिंदगी में कुछ पाने के लिए आर्यन को इतना एक्साइटेड देखा है। मैं खुद यही सोच रही थी। उसने कट डाला। बस इस सब में मुझे आप याद आए तो मैंने सोचा आपको फोन कर लूं। देखो बेटा, हम तीनों मिलकर ये खुशी बांटेंगे। आधा रिश्ता कट गया है, आधा बाकी है, वो भी कट जाएगा इंशाल्लाह। बस आप मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूँ। हाँ बेटा, तुम हमेशा मेरी दुआओं में होती हो। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे पर इजी नहीं रहा, काफी कठिन था तुम्हारे लिए भी। मुश्किल तो है पर मुझे आप बहुत याद आते हैं कभी कभी। मैं आपसे मिलने आऊंगी मालव को लेकर ऑफिस। जरूर, व्हाई नॉट। हाँ, तुम्हारी वो दोस्त, वही, शी इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसको वाकई जिंदगी गुजारने का फन आता है। शी इज अ वेरी हैप्पी गर्ल। हाँ, यू वेलकम, ब्रिंग हर ओवर। या जी, बस उसकी यही बात है जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आपके किसी भी फैसले में दखल देने का हक तो नहीं है मैडम, लेकिन इस फर्म का एक सीनियर और मुखलिस रुकन की हैसियत से मेरा ये फर्ज बनता है मैं आपको ये रिपोर्ट दूं। आपको पता है कि आपकी ओपिनियन मेरे लिए मैटर करती है आजम साहब।
आफ्टर ऑल आप इस कंपनी के सबसे सीनियर और रिलायबल एम्प्लॉय हैं, इसलिए आप जो कहना चाहते हैं वो कहें। बहुत शुक्रिया, इसी वजह से मैं हिम्मत कर लेता हूँ कुछ कहने की। मैडम, आर्यन ने जब से हमारे टेक्निकल सेक्शन को संभाला है, हमारी प्रोडक्शन डबल हो गई है। बहुत मेहनती लड़का है, बल्कि मजदूरों के साथ मिलकर मजदूर की तरह दिनों रात काम करते देखा है मैंने उसे पिछले चंद हफ्तों से। प्रोडक्शन और क्यूसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स मैं रेगुलरली चेक करती हूँ, इसका आइडिया है मुझे, मगर ये रिपोर्ट्स। जानता हूँ मैं, खुद आर्यन ने ज्वाइन करते वक्त मुझे बताई थी ये बात, लेकिन हमें किसी के माजी से क्या लेना देना। अहमियत की बात तो ये है कि आर्यन इस वक्त इस फर्म के लिए क्या कुछ कर सकता है और कितना अहल है। वो आपको ये भी तो कह सकता था कि ये रिपोर्ट्स फेक और जाली, और ये कि उसके दुश्मन ने उसको बदनाम करने के लिए भेजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैंने जब उससे बात की तो उसने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, ना इसको झुटलाया और ना यहाँ रहने के लिए इंसिस्ट किया। यही बात उसकी सच्चाई का सबूत है मैडम। और एक बात बड़ी अहम है कि वो कौन है जो उसे यहाँ देखना नहीं चाहता। ये भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस राइवल हो, एक अच्छे काम करने वाले हमसे दूर रखना चाहता हो। इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, फिर आप बताएं, व्हाट डू यू सजेस्ट? मैडम, मैं तो यही कहूंगा कि आर्यन को नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे प्रोफेशनल्स रोज रोज नहीं मिलते। अपनी स्किल्स की वजह से अगर वो किसी और कंपनी में होता तो इस पोस्ट से बहुत ऊंचे ओहदे पर होता। आई थिंक वी शुड नॉट लूज हिम। ठीक है।